हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे थे अपने आत्मनिर्भर भारत के बारे में। इसमें ऑलरेडी एक सेशन हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो कृपया उसे जाइए देखिए, ऊपर देखिए आई बटन बन के भी आ रहा होगा, उसको आप पहले देख लीजिए, फिर उसकी कंटिन्यूटी में ये वीडियो सेकेंड पार्ट देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लास्ट सेशन हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात किया था, इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात किया था, प्रधानमंत्री के जो वर्ड्स है उसके बारे में बात किया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कुछ कर रही है, क्योंकि हम लोगों ने बात किए थे कि इस लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए बेसिकली दो कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट की हमें जरूरत होती है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कुछ की हुई है, जिसमें हम लोगों ने गरीब कल्याण योजना के बारे में बात किया हुआ था, इसमें क्या कुछ डिटेल दी गई है, ये सब बात किया था हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में, अपने लास्ट सेशन में। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आरबीआई आखिर में क्या कुछ करने वाली है, बिकॉज यू नो कि आरबीआई ही एकमात्र ऐसी संस्था होती है जो इकोनॉमी के ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रही होती है। जिन लोगों को बेसिक्स थोड़े से अगर डाउन है तो उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए इकोनॉमी में आरबीआई कभी भी काउंट नहीं किया जाता है, इकोनॉमी एक अलग से चल रही होती है गवर्नमेंट की, और दूसरे साइड में हमें इस इकोनॉमी को मॉनिटर करने के लिए एक संस्था रहती है जिसका नाम रहता है आरबीआई। आरबीआई कई सारे चेक्स और मेजर्स के जरिए इस इकोनॉमी को वॉच आउट कर रही होती है, मॉनिटर कर रही होती है, रेगुलेट कर रही होती है। अगर यहां पर किसी प्रकार की जरूरत होती है, जैसे इन्फ्लेशन हो गया या फिस्कल डेफिसिट हो गया या इस तरीके के कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर गवर्नमेंट आरबीआई को कहती है कि आप देखिए, आरबीआई अकॉर्डिंगली मेजर ले रही होती है और इस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को या फिर लिक्विडिटी को या फिर कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट को दूर करने की कोशिश कर रही होती है। तो सिमिलरली इसी कोविड के केस में भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम काफी ज्यादा आ गई है, लिक्विडिटी क्रंच आ गया, उस लिक्विडिटी क्रंच को दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है सो लिया है, लेकिन आरबीआई को भी अपना एक बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ा है। इस एक्शन के अगर बारे में बात करें तो देखिए कई सारी चीजें की गई है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे CRR को, जो कैश रिजर्व रेशियो जो बैंक का आरबीआई के पास जमा रहता है कैश फॉर्मेट में, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। और रिड्यूस करने से फायदा ये हुआ है कि यहां पर आपके 1,37,000 करोड़ अब मार्केट में चले जाएंगे, अब ये बैंक में चले जाएंगे, जिससे कि अब मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरीके से टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन जो होते हैं वो लगभग 1,50,00,000 करोड़ फॉर फ्रेश डिप्लॉयमेंट इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में किया गया है, कमर्शियल पेपर में किया गया है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में किया गया है। इसका फायदा ये हो रहा है कि देखिए हमारी इकोनॉमी में पैसा लिक्विडिटी को जनरेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि पैसे को, मनी को आप प्रिंट कर दीजिए, लेकिन इस मनी के प्रिंट करने से नुकसान ये होता है कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने का दिक्कत होता है, जिस तरीके से हम लोगों ने ग्रीस की कंडीशन में देखा। तो ग्रीस में सिमिलर पॉइंट, सिमिलर तरीके से प्रॉब्लम आई, वेनेजुएला में इसी तरीके की प्रॉब्लम आई थी, ब्राजील में इसी तरीके की प्रॉब्लम आई थी, और हम लोग इस पॉइंट को हम लोग नहीं जाते हैं, इधर हम लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खराब मेजर होता है। लेकिन एक दूसरा होता है और वो होता है वर्चुअल तरीके से कमाना, वर्चुअल तरीके से इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना, और ये तरीका होता है बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये मेजर ले रहे होते हैं, और इसी मेजर को आगे कंटिन्यू भी किया गया हमारे आरबीआई के द्वारा, और इसी कंटिन्यूएशन में लगभग 1,50,00,000 करोड़ फॉर फ्रेश डिप्लॉयमेंट इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में किया गया है। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ऑफ 50,000 करोड़ फॉर इन्वेस्टिंग देम इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड, कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इसमें किया गया है। इस पूरे स्कीम में अगर आप फोकस करेंगे देखेंगे तो आपको एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस पे स्पेशल फोकस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो कंपनीज होते हैं या कह सकते हैं ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो नॉर्मल बिजनेस या छोटे लेवल के बिजनेस होते हैं उसमें ये इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनको ये फाइनेंशियल हैंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और हमारा पूरा फोकस, इस पूरे के पूरे स्कीम का फोकस है एमएसएमई को बूस्ट करना, और एमएसएमई डायरेक्टली लिंक होती है या तो एनबीएफसी के साथ में या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ में। इस एमएसएमई सेक्टर के कारण से ही हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और यही आत्मनिर्भरता ही इस पूरे के पूरे स्कीम का जिस्ट है, इस पूरे के पूरे स्कीम का सोल है आप कह सकते हैं। इंक्रीज्ड द बैंक लिमिट फॉर बोरोइंग ओवरनाइट अंडर द एमएसएफ। तो आप लोगों को पता होगा कि नंबर ऑफ तरीके होते हैं जिससे बैंक लेंड कर सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं, चाहे वो आरबीआई से हो चाहे हमारे अलग बैंकों के साथ में हो।
जैसे SBI को अगर पैसा लेना है तो SBI क्या करेगी, दो ऑप्शन है, या तो RBI से पैसा ले ले या फिर वो अपने साथी बैंकों के साथ ले ले। साथी बैंकों के साथ लेगी तो उसको बोलते हैं इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट, और अगर RBI से ले रही होती है तो उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आई होप आपको ये सब चीजें, ये सब कंसेप्ट क्लियर होंगे। MSF जनरली क्या होता है कि रेपो रेट से ज्यादा लिया जाता है, 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा लिया जाता है, जिसके कारण से ये जो ओवरनाइट बोरोइंग होती है वो काफी महंगी हो जाती है। इस ओवरनाइट बोरोइंग को महंगा को सस्ता करने के लिए गवर्नमेंट RBI से बोली है कि आप इसको जो भी करना है आप कर लीजिए। इसके कारण से RBI ने क्या किया, इट हैज इंक्रीज द बैंक लिमिट फॉर बोरोइंग ओवरनाइट अंडर द MSF, अलाउिंग द बैंक सिस्टम टू अवेल एन एडिशनल 1,37,000 करोड़ ऑफ लिक्विडिटी एट द रिड्यूस्ड MSF रेट। तो MSF रेट को घटा करके 1,37,000 करोड़ की लिक्विडिटी को और ज्यादा मेंटेन करने की कोशिश की गई है RBI के द्वारा। इसके अलावा कुछ और भी मेजर्स लिए गए हैं, जैसे अगेन देखिए MSME सेक्टर जिससे डायरेक्टली लिंक होता है उसी को फोकस किया गया है। RBI has announced a special refinance facility to NABARD, जो कि रूरल सेक्टर में काम कर रही होती है, SIDBI जो स्मॉल सेक्टर में काम कर रही होती है, NHB जो हाउसिंग प्रोडक्ट्स में काम कर रही होती है, फॉर अ टोटल अमाउंट ऑफ 50,000 करोड़ एट द पॉलिसी रेपो रेट। तो इस तरीके से ये इनको फंड करने के, इनको रीफाइनेंस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। इट also announced the opening of स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़ फॉर म्यूचुअल फंड टू एलिविएट इंटेंसिफाइड लिक्विडिटी प्रेशर। 50,000 करोड़ से और म्यूचुअल फंड के सहारे ये लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा फंड दिया जा रहा है NBFC को। क्लियर। मोराटोरियम ऑफ 3 months ऑन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल टर्म्स लोन्स। अब जैसे पहले आप समझ लीजिए मोराटोरियम का मतलब क्या होता है, तब आपको ये पूरा का पूरा स्कीम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज किसी एक कंपनी ने लोन लिया हुआ है और लोन लेने में ये कहा गया है कि आप एक काम करिए कि 3 महीने तक आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, 3 महीने के बाद फिर आप मुझे इंटरेस्ट दीजिएगा, इन्वेस्ट जो भी आपका इंस्टॉलमेंट बैठा हुआ है वो इंस्टॉलमेंट देना शुरू करिएगा। तो अगर इन्होंने मान लेते हैं कि 1,00,000 रुपए अगर 1,00,000 रुपए इन्होंने लोन लिया हुआ है तो 3 महीने तक इनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 महीने के दौरान में जितना भी इंटरेस्ट बैठेगा उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर इंटरेस्ट बनता है इस 1,00,000 का, यहां पर देखिए इस 1,00,000 का मान लेते हैं कि 3 मंथ में इंटरेस्ट बनता है, मान लेते हैं कि 10,000 रुपीज। अब ये 3 महीने के बाद में जो प्रिंसिपल अमाउंट बन गई है वो 1,03,000 रुपए बन चुका है 3K। अब इस पे इनका पूरा इंटरेस्ट बैठेगा, इस पे उनका पूरा सिस्टम बैठेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए मोराटोरियम का मतलब ये नहीं होता है कि ये फ्री में लोन देना शुरू कर दिए या फिर दरियादिली करना शुरू कर दिए, सोशल सर्विस करना शुरू कर दिए, नहीं। आपको केवल और केवल एक लेंडिंग हैंड प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको केवल एक थोड़ा सा सुविधा दे दी जा रही है ताकि आज आपको टेंशन ना हो लेकिन बाद में हम तो उससे लेंगे ही, पैसा तो लेंगे ही। और देखिए ये बिल्कुल जरूरी है इकॉनमी को, इकॉनमी में किसी प्रकार की सोशल सर्विस नहीं चलती। अगर आप सोशल सर्विस करने पे आ गए तब आपको या तो अपनी कंट्री को कम्युनिस्ट कंट्री बनाना पड़ जाएगा या फिर आपकी कंट्री फिर धाराशाही हो जाएगी। ईजिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बाय रिड्यूसिंग मार्जिन। तो बस वही है कि इसको आसानी से कैपिटल फाइनेंस करने के लिए बस आसान किया जा रहा है, ईज आउट किया जा रहा है। फॉर लोन्स By NBFC to be commercial real estate sector, additional time of 1 year has been given for extension of the date for commencement of commercial operations. तो यहाँ पर बस वही चीज़ है कि NBFC को commercial real sector में invest करने के लिए, loan देने के लिए उनको extra time दिया जाएगा। चलो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से loan दे दीजिए और आपको कोई खतरा नहीं होगा। तो फिलहाल इस सेशन में देखिए यही है RBI के द्वारा मेजर से। अगर हम लोग देखें कि MSME सेशन में क्या किया गया, MSME सेक्टर में क्या किया गया है, तो देखिए 16 मेजर्स लिए गए हैं MSME के सेक्टर में, जहां पर पहला क्या किया गया है, 3,00,000 करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन दिया जा रहा है फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग MSME, 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेप्ट दिया जा रहा है MSME को, 50,000 करोड़ इक्विटिटी इन्फ्यूजन थ्रू MSME फंड ऑफ फंड्स, न्यू डेफिनेशन कर दी गई MSME की, ग्लोबल टेंडर टू बी डिसॉल्व्ड अप टू 2,200 करोड़, अदर इन्वेस्टमेंट फॉर MSME 2,500 करोड़, EPF सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 more months, EPF कंट्रीब्यूशन रिड्यूस फॉर वर्कर्स एंड बिजनेस फॉर मंथ। इससे क्या है कि 6,750 करोड़ रुपए आ जाएंगे, 30,000 करोड़ लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर NBFC या फिर MFIs, 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम निकाल दिया गया है फॉर NBFC के लिए, 90,000 करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्शन कर दिया गया है डिस्कॉम के लिए जो पावर सेक्टर की है, रिलीफ दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर को,
इसके अलावा अगर बात करेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंपटीशन डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अंडर RERA 50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू TDS और CTCS रिडक्शंस अदर डायरेक्ट मेजर्स कुछ लिए गए हैं। इन पूरे 16 जो भी हमारे मेजर्स हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 3 में अपने नेक्स्ट सेशन में जो कि पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा MSME सेक्टर को। और इस तरीके से हम लोग पूरे के पूरे स्कीम के जो डे वन अनाउंसमेंट हुई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये सीरीज थोड़ी सी लंबी जा रही होगी, बस कंटिन्यूटी मेंटेन करिएगा क्योंकि आपको इससे काफी अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी, आपको पूरा इकोनॉमी समझ में आ जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा इस पूरे स्कीम का जिस्ट क्या है, इस पूरे स्कीम का सोल क्या है। ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है आपके UPSC के लिए और अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसको ज्वाइन करके आपने अपने रेज कर सकते हैं अपने डाउट। हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट की भी और बाकी MSME सेक्टर की भी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।